मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बादलों के विस्फोट की स्थिति है। मध्य प्रदेश, गुजरात अब भी बारिश का भारी सितम झेल रहे हैं। दूसरी तरफ रेगिस्तान में सैलाब जैसे हालात। राजस्थान के जोधपुर में तो जो बारिश कई घंटों में होनी चाहिए थी वो कुछ मिनटों में हो गई और देखते ही देखते पूरा शहर तालाब जैसा दिखने लगा। ये तस्वीरें देखिए राजस्थान के जोधपुर की। हर तरफ पानी का प्रशासन है। पानी का शासन है। लोग परेशान हैं क्योंकि न बाढ़ से राहत है न खाने को ठीक से राशन है। बंदा 5 फीट पानी के अंदर तो चलकर तो आ नहीं सकता। उसके लिए हमने 2 गैस की टंकियां लाए। 2 गैस की टंकियों के बीच में पाटे रखकर नाव बनाकर, प्रशासन द्वारा कोई नाव भी नहीं दी गई तो वो जुगाड़ हम बनाकर उस चीज को कोई रोजमर्रा दूध लाने के लिए, बच्चों के लिए दवाई लाने के लिए हमारे को वो साधन करना पड़ा। हम बहुत परेशान है। इसके लिए आप सब आए, प्रशासन आकर इधर ध्यान केंद्रित करें। तो बहुत रिस्की भी है भाई, बहुत रिस्की है। कल को वो 5 फीट पानी में यदि उसको तैरना नहीं आता तो वो गिर जाएगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। सर वैसे तो ये स्थिति पिछले काफी सालों से है। प्रशासन इस तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं। प्रशासन का हर साल बरसात का मौसम आता है तो हमें इस समस्या का भारी मतलब नुकसान होता है कि या बीमारियां वगैरह फैलती है। किसी प्रशासन अधिकारी कभी आके आकर कोई जांच नहीं करता, कुछ नहीं होता है। यहाँ पंप भी चालू कराता है, टाइम पे पंप भी चालू करता है और पानी धीरे धीरे अब की बार जैसे हमारे घर के पास पानी आया है तो उसमें जैसे कि 3 दिन 4 दिन हो गए, अब उसमें बीमारी कीड़े वगैरह होने लग गए हैं तो बीमारी फैलने की पूरी आशंका है ही है। प्रशासन 3 दिन बाद में भी हमने आज ये जो धरना पड़ते हैं महाराज जी के सानिध्य में कर रहे हैं उसके बाद भी प्रशासन अधिकारी कोई मतलब इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हमारा निवेदन यही है कि हम अगर बीमारी फैले यार हमारे हम सब बीमार हो उससे अच्छा है प्रशासन जागे। इसमें जुगाड़ हम लगाएंगे, अगर जुगाड़ में अगर कोई आदमी गिर जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा बाद में। लगातार बारिश ने रेतीले शहर को तालाब बना दिया है। जो कुछ जोड़ा है लोगों ने वो सब पानी में डूबा जा रहा है। गाड़ियां पानी में जल समाधि ले रही हैं। रेलवे ट्रैक्स पर बाढ़ का कब्जा है। घरों के अंदर बाहर सिर्फ पानी पानी और पानी। बाढ़ के मद्देनजर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। न्यू रूपनगर के लगभग 60-70 घरों की निश्चित रूप से हालत चिंताजनक है। 25 तारीख से लगातार उनके घरों के बाहर घर के अंदर तक पानी भरा है। न बिजली है, न पानी है, न दूध है, न और कोई भी व्यवस्था वहां हो सकती है। प्रशासन को निर्देश दिए कि इसका तुरंत एक बार जो है पानी निकालने की व्यवस्था को और अधिक गति प्रदान की जाए, पानी को निकाला जाए। लेकिन साथ ही साथ में ये जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन करने की व्यवस्था है जो पिछले 3 साल से लगातार धीरे धीरे रखड़ते अब RUDP ने टेंडर किया था लेकिन दुर्भाग्य से वो टेंडर भी वापस एक बार फिर निरस्त हुआ है। तो इस टेंडर को शीघ्र करके और आने वाले समय में कभी ये चुनौती न आए इसका स्थायी समाधान को भी हम पूरा करें, इसके निर्देश दिए। राजस्थान में मॉनसून सीजन की 55% से अधिक बारिश हो चुकी है। बीते कुछ दिन पहले जोधपुर में सिर्फ 24 घंटों में इतना पानी बरस गया जो पूरे मॉनसून की बारिश के बराबर था। इसी के चलते जोधपुर में बाढ़ के भयंकर हालात बन गए। झालावाड़ में अन्य बचाव दल लगातार अनहोनी को रोकने के लिए मुस्तैद है। राजस्थान के कई जिले पूरी तरह आपदा के केंद्र में हैं। बूंदी राजस्थान की ये तस्वीरें वहां के हाल अच्छी तरह बयान कर रही हैं।
पानी की वजह से मवेशी और लोग दोनों जहां पर थे वहीं पर रुके। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो जान को जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो सेल्फी ले रहे थे। दूसरी तस्वीर आकोदा के इस पुल की आती है जहां पर दो गाय एक साथ पानी से निकलने का प्रयास करती हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते हुए निकल जाती है। हालांकि एक भैंस का झुंड पानी को पार करने की जब कोशिश करता है तो वो बच नहीं पाती। अब ये राजस्थान के बूंदी की ही एक और तस्वीर देखिए, जहां पर 6 इंच की बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसी दौरान एक शख्स उफनते नाले में फंस गया। गांव वालों की सूझबूझ से इसे बचा लिया गया। ये तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां कई दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है। सीजन की जो फसलें होती थी वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सुबह भारी बरसात से कई खड़ी और दोहरे टूट गए हैं। खेतों में किसानों के खरीफ में बोई हुई मूंग और मूंगफली की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है और बरसात का पानी खेतों से होता हुआ डेलासर के कई घरों में घुस गया, जिससे पानी के टांके और घरों के अंदर जो कमरे बने हुए थे उसमें भी आ गया। और इस बरसात से कई दोहरे और खड़ी टूटने से लोगों की मूंगफली और मूंग की फसल बह गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पिछले एक दशक में राजस्थान, खासकर पश्चिमी राजस्थान जो कि प्रमुखता मरुस्थली है, वहां पर बरसात अधिक दर्ज हुई है। पश्चिमी राजस्थान में 2010 के बाद से औसत बारिश का सामान्य स्तर 32% बढ़ा है, जबकि पूर्वी राजस्थान में ये वृद्धि 14% रही है। अकेले 2016 में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में 18 बार बरसात हुई, जिनमें एक दिन की औसत बारिश 120 मिलीमीटर को पार कर चुकी थी, जबकि पूर्वी राजस्थान में 126 बार बरसात हुई। हाल के सालों में अधिक बरसात की वजह से राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हैं।